सो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माई न्यू GTA 5 वीडियो। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी GTA 5 की एक और नई वीडियो में। तो भाई, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि मैं गया था अपनी सुपर बाइक की टेस्ट राइड लेने, और भाई टेस्ट राइड काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही थी। और मैंने लास्ट में आपसे बोला था कि भाई अभी मैं कोई सी बाइक नहीं खरीद रहा हूँ, आप कमेंट करके बताना, जौन सी बाइक आप बोलोगे मैं वही बाइक खरीदूँगा। और भाई मैं आज ख़रीदने वाला हूँ BMW S1000RR, जिसकी कमेंट आई थी मेरे पास। एंड ये है मेरा फ़िलहाल का गैराज, जिसमें मेरे पास है लैम्बोर्गिनी सियान एंड फॉर्चूनर लेजेंडर एंड ये है SRT डोजो। भाई मेरी पिछली वीडियोस को देखता रहा होगा, उसको पता होगा मेरे गैराज में कौन कौन सी गाड़ियाँ कहाँ कहाँ से आई हैं। और एंड हाँ, मैंने भाई आपको ये भी बताया था कि मैं एक शोरूम खोलने वाला हूँ इंडियन कार्स का लॉस सैंटोस में, क्योंकि यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इंडियन कार्स की, जिसके लिए मेरी कुछ गाड़ियाँ तो माफिया के घर से चुरा ली थी एंड कुछ गाड़ियाँ आज आ चुकी हैं हमारी एयरपोर्ट पर, जिनको कि हमें अपनी बाइक की डिलीवरी के बाद डायरेक्ट ले कर आना है अपने घर। एंड अभी हम चलते हैं डायरेक्ट अपनी बाइक की डिलीवरी लेने, और आज लेके जा रहा हूँ मैं लैम्बोर्गिनी सियान, क्योंकि थोड़ा बहुत सो ऑफ करने में भाई मज़ा आता है, और सियान भाई आप समझ लो टोटली सो ऑफ करने के लिए बनी है, क्योंकि एक तो ये लैम्बोर्गिनी है एंड भाई इसकी स्पीड एंड साउंड ओहो ठोकना जाए। बस ये भाई इसका एक डिसएडवांटेज तो है कि भाई ये ठोकती बहुत है, ये भाई बैलेंस ही नहीं होती। और यार एक चीज़ तो है भाई, मेरे घर से जितनी पास है ना ये शोरूम, भाई मेरे को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बस मैं घर से निकलता हूँ भाई डायरेक्ट शोरूम पे, देखो बस अभी निकला और अभी शोरूम पे आ गया एक मिनट में, यही फ़ायदा है। एंड सबसे पहले तो भाई एक बात बताऊँ मैं आपको, शोरूम वाले मेरे से बोल रहे थे कि भाई तुम यहाँ पर गाड़ियाँ लगा के चला जाते हो अपनी, ये तुम ना तो तुम्हारे लिए सेफ़ है ना हमारे लिए, क्योंकि भाई यहाँ से गाड़ियाँ चोरी भी हो सकती हैं, इनका स्टाफ पता नहीं कब आता। ये बोल रहे थे पीछे अपनी गाड़ी को लगा दिया करो, ठीक है भाई इन्होंने पहले ही बता दिया। अगर भाई मेरी गाड़ी इंच के शोरूम से छुटती ना भाई, मैं इनके सारे शोरूम को लूट के ले जाता। एंड दीज आर आवर बाइक्स, ये अपनी बाइक भाई, देखो मेरा S2 लेने का बहुत ज़्यादा मन था, एक तो भाई इसकी स्पीड, एंड आपको एक बात पता ही है भाई ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक है। भाई इसको ना लेने के तो भाई दो रीज़न है, मैं आपको सच सब बता दूँ, एक तो भाई BMW के लिए कमेंट्स आ रही थी, एंड दूसरी अपने पास था भाई रियली में बजट प्रॉब्लम। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं निंजा S2 को ख़रीद लूँ, वैसे टेस्ट राइड तो ली थी मैंने और मुझको भाई पसंद भी काफ़ी ज़्यादा आई थी, लेकिन फ़िलहाल मुझे अभी काम चलाना पड़ेगा BMW S1000RR से, जो कि भाई ये भी कम नहीं है किसी बाइक से, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड भाई मैंने पेमेंट तो पूरी कर दी है, डायरेक्ट इस बाइक को लेकर चल रहा हूँ। एक तो यार ये बाइक में भी म्यूज़िक भाई पता नहीं क्या करके माने गए GT5, और मैं इसको भाई बहुत तगड़ी मॉडिफाई करने वाला हूँ, आप कमेंट करके बताना मैं कि इसमें क्या क्या मॉडिफाई करूँ, और फिर मैं करूँगा मॉडिफाई, मैं आपको करके दिखाऊँगा भाई इसमें क्या मॉडिफाई होता है। तो सबसे पहले तो भाई मैंने अपनी समझ लो बाइक की डिलीवरी तो ले ली है, एंड थोड़ी भाई व्हीली मार के देखता हूँ एक बार व्हीली, भाई ये है ना बाइक में पावर, पता भी नहीं लगता भाई इतनी स्मूथ व्हील लगती है ना इसमें, देखो। सो भाई डायरेक्ट, ज़्यादा हम स्टंट नहीं करेंगे इसे, अब डायरेक्ट चलेंगे एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट है हमारे यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है, और इसकी स्पीड भी टेस्ट करेंगे भाई सिटी में कि कैसी चलती है और कैसी इसकी हैंडलिंग है। अभी तक तो देखो मैं क्या बताऊँ भाई, बताऊँ क्या यार, मैंने अभी चलाई ही कहाँ है, बस अभी जस्ट शोरूम से बाहर निकाली है, और यार काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है अपनी इस बाइक को लेने के बाद। देखो मैं बाइक्स एंड कार्स तो ख़रीदता जा रहा हूँ, लेकिन भाई एक चीज़ मेरी आपने देखी कि मेरे पास पार्किंग तो है ही नहीं, वही छोटी सी पार्किंग है, उसमें भाई मैं गाड़ी को कहीं लगाता हूँ, मतलब उल्टी सीधी लगा के रखता हूँ बस। मेरे को लगता है भाई जल्दी से घर ख़रीदना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अब मैंने एक दो गाड़ियाँ और ख़रीदी ना तो भाई मेरा गैराज में गाड़ी रखने की जगह ही नहीं है। अभी देखो मैंने वो गाड़ियाँ चुराई थी ना इंडियन कार्स, उनको भी मैंने माइकल के घर खड़ा करके रखा है, क्योंकि भाई बता रहा हूँ ना जगह ही नहीं है, स्पेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। चलो तो हम एयरपोर्ट आने वाले हैं, बस आधा मैं किलोमीटर रह गया है, किलोमीटर बोल लो या भाई कुछ भी बोल लो आप। और एक बात सपोज करना भाई कि मैंने कौन कौन सी बाइक्स मंगाई होंगी, बाइक कह रहा हूँ भाई, मैं कौन कौन सी कार्स मंगाई होंगी इंडिया से, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ी है, एक बार मैं पहुँच जाऊँ जब मैं आपको उनके रेट्स भी बताऊँगा।
सो फाइनली मैं एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ। चलो जल्दी से चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि भाई मुझसे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा। मैंने जो भी अपनी ड्रीम्स कार ऑर्डर की थी वो आ चुकी है, वो भी डायरेक्ट इंडिया से। और यार अब मैं बहुत ही तगड़ा वाला शोरूम खोलने वाला हूँ। समझ लो भाई मेरा एम होगा कि मैं सारे के सारे लॉस सैंटोस के पैसे इसी बिजनेस से छाप दूँ, दूसरा बिजनेस मुझे करना ही ना पड़े। वैसे देखेंगे भाई इंडियन कार्स अगर ज़्यादा बिकती हैं तो इंडियन कार का ही खाली बिजनेस करेंगे, अगर दूसरी कार की भी डिमांड होगी तो भाई दूसरी कार्स भी लाएंगे। और वो खड़ा है सामने अपना प्लेन, भाई ये प्लेन भी क्या मस्त लग रहा है यार, क्या ग्राफिक्स है इस प्लेन के। यही है ना कहीं भाई मैं किसी और के प्लेन में घुस जाऊँ। ओके तो भाई कार्स तो मुझको दिख चुकी हैं, और यार सामने से कार देखने में क्या ही एक नंबर तगड़ी लग रही है ये। अभी तो तीन गाड़ियाँ मिली थी बस मुझे इंडिया से, अभी मैंने तीनों ही गाड़ी मंगाई है। पहले तो भाई अपनी गाड़ियों को पूरी से चेक कर लें, कुछ डेंट वेंट तो नहीं आया भाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी जर्नी से आई है ये गाड़ी हमारी, ऐसा ना हो कि कहीं सारी की सारी डैमेज हो गई हो। वैसे देखो XUV 700 वैसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन यार इतना ना इसका कलर खास नहीं लग रहा है, मुझे लगता है इसका कलर बदलवाना पड़ेगा। चलो बताना भाई कमेंट करके इस पर कौन सा कलर करवाएं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता यार आपके बंदों को ये इतना ज़्यादा पसंद आएगा। ओके तो भाई कंडीशन तो एकदम ठीक लग रही है, पीछे से भी ठीक है और आगे से भी ठीक है। अब बारी हमारी लैंड क्रूजर की। सो सबसे पहले तो आई थी भाई हमारी स्विफ्ट, वो भी ओल्ड मॉडल में, क्योंकि मैंने नए मॉडल की मेरे पास पहले से थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो मैंने एक एक पीस मंगाया, अभी जैसे मेरी सेल्स जाएंगी मुझे पता लगेगा भाई कैसी डिमांड है यहाँ पे। अगर ये गाड़ियाँ अच्छी से बिकेंगी तो इनके एक एक दो दो पीसेस और मंगा लेंगे हम इंडिया से। और देखो ये गाड़ी है ना भाई, यहाँ पे किसी को नहीं पता है कि ये गाड़ी पुरानी है, देखो 2014 या 2015 मॉडल है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे चलती नहीं है। यहाँ पे भाई कोई सी पकड़ा दो वही गाड़ियों को ये ले लेंगे भाई बंदे। तो ठीक है भाई मैंने स्विफ्ट यही मिल रही थी, मैंने यही मंगा ली। और XUV 700 तो भाई अपने 2023 का मॉडल है, और ये है भाई फाइनली अपनी लैंड क्रूजर 2018 मॉडल। क्योंकि यार जो नया मॉडल है ना लैंड क्रूजर का, उसमें वो जितनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती जितनी ये ओल्ड मॉडल में लगती है। और यार इसकी भी कंडीशन एकदम ठीक लग रही है, और कलर भी यार इसका वाइट अच्छा लग रहा है इस पर। वैसे भाई आप कमेंट करके बताना कि मुझे इसका भी कलर बदलवाना चाहिए या नहीं। सो ठीक है भाई, देखो कंडीशन तो एकदम ठीक है, मैंने तीनों गाड़ियाँ चेक कर ली। अब जल्दी से मंगाता हूँ मैं ट्रक, क्योंकि ट्रक में ही लोड करके ले जाऊँगा मैं। तो सबसे पहले नीचे जाके भाई अपने एक बंदे को कॉल करता हूँ, जल्दी से ट्रक लेके आता। ओके फाइनली गाइज अपना ट्रक भी आ चुका है, एंड मैंने अपनी गाड़ियाँ भी नीचे उतार ली हैं। और फाइनली ये कोई काम बचा है कि जल्दी से हमको इनको अपने ट्रेलर में खड़ा करना है। और यार वैसे ये गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा मस्त दिख रही हैं, देखो बाहर से दिखने में अभी। और आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ एक बार। तो ये अपनी XUV 700, और ये भाई अपनी इंडिया की तरह ही राइट हैंड ड्राइव है, एंड इंटीरियर इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा। देखो पूरा इंटीरियर इसका ब्राइट है वाइट कलर में, जो कि देखो भाई मेरे को तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। एंड इसकी थोड़ा भाई घुमा के भी देखे यार, देखो मेरा तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, क्योंकि इंडियन कार्स है ना भाई यहाँ पे कभी कभी चलाने को मिलते हैं, और मैं जब भी मिलती है ना भाई मैं मौका नहीं छोड़ता इनको चलाने का। देखो ज़्यादा नहीं चलाऊंगा मैं नई गाड़ियाँ के भाई, क्योंकि कस्टमर को ना यूज्ड गाड़ियाँ देखने में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, वैसे बेचनी नहीं चाहिए। तो ठीक है भाई जितनी चला ली उतनी बहुत है, एंड अब चढ़ाते हैं इसको अपने ट्रेलर में। और यार गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, ऐसा ना हो कि भाई ट्रेलर में आई ना ये, एक देखो चढ़ने में दिक्कत कर रही है ये, थोड़ा स्पीड से लेके जाना पड़ेगा। एंड ठीक है ये चढ़ गई अपने भाई, थोड़ा सा टाइट आ रही है भाई ये गाड़ी बहुत ज़्यादा, मेरे को लगता है यार इसमें कुछ डेंट वेंट ना पड़ जाए, नहीं तो ये ठीक करा के जाओ देनी पड़ेगी यार, बेमतलब कि ज़्यादा खर्चा आ जाएगा अपना। एक गाड़ी तो आ गई यार, एक तो महिंद्रा यार इतनी बड़ी गाड़ियाँ बनाती है ना, बल्कि देखो टोयोटा की लैंड क्रूजर है ना भाई, मेरे को लगता है उसके बराबर इसका साइज़ है। चलो अब बारी लैंड क्रूजर की। अभी यार मैं चार पांच गाड़ियों से शोरूम खोलने वाला हूँ, वैसे गाड़ियों से ज़्यादा होनी चाहिए मेरे पे, लेकिन यही काफ़ी है भाई शुरुआत के लिए। भाई अब सामने ना ठुक जाए यार इसमें, एंड भाई अभी जगह है, चलो 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 बस 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 ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। एंड लास्ट में भाई अपनी छोटी सी स्विफ्ट, ये मेरे को लगता है भाई इसी नीचे वाले ट्रेलर में आ जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। जो अगली वाली गाड़ियाँ थी ना भाई वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, उन्होंने दिक्कत दी है, उन्होंने ज़्यादातर जगह उन्हें नहीं घेर लिया। एंड बारी अब इसकी,
और जो मैं बता रहा था ना आपको माफिया का सीन, वो यार बढ़ता ही जा रहा है। उसने कहा, उसको पता लग गया कि मैंने ही उसकी गाड़ी चुराई थी। अब ऐसा भी हो सकता है कि यार वो हम पे अटैक कर दे, इसलिए मुझे थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा कहीं भी जाऊँगा तो मैं। एंड चलो ठीक है भाई, अपनी ये तीनों गाड़ियाँ तो इसमें फिट आ चुकी हैं एकदम सही से। जल्दी से अपने ट्रेलर को बंद करता हूँ, जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ फिर। सो ओके गाइज, अपनी गाड़ियाँ लोड हो चुकी हैं एंड फाइनली अपना पीछे से ट्रक भी बंद हो चुका है। यार देखो वैसे इस जहाज़ को देख के भाई, मतलब एयरप्लेन को देख के मन तो मेरा भी इसको भी ले जाने कर रहा है, लेकिन यार इसको मैं रखूँगा कहाँ। इसका पेंट जो देखो यार, देखो मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। सबकी भाई अपनी अपनी पसंद होती है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है इसका कलर। चलो इसको छोड़ते हैं भाई, अगर मैं ले भी गया पहले तो लेके कैसे जाऊँगा, और भाई ले भी गया मैं इसको जैसे तैसे उड़ा के, तो भाई इसको रखूँगा कहाँ मैं। तो अपनी गाड़ियों पे ध्यान देते हैं अभी फ़िलहाल। और यार ये ट्रक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है मैं इसको छोटी छोटी सी गलियों से निकाल के कैसे ले जाऊँगा। तो सबसे पहले तो अपने माइकल का घर मार्क कर लेते हैं, क्योंकि अपने माइकल के घर पर ही खड़ी करने वाले हैं इनको। पिछली वाली गाड़ियाँ भी थी, वो भी माइकल के घर पर चुरा के लाया था मैं, वही माइकल के घर पर खड़ी हैं। और यार गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हल रही है, शायद से मैंने हैंड ब्रेक नहीं लगाई है इसकी। नहीं 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 भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो जो धच्ची है ना उनकी वजह से ये गाड़ियाँ इतने ज़्यादा शोर कर रही हैं। वैसे तो गाड़ी एकदम परफेक्ट फिट है इसके बीच में। एंड भाई अभी देख रहे कुछ तो भाई मेरी एडवर्टीजमेंट रास्ते में हो जाएगी, क्योंकि लॉस सैंटोस वाले बंदों ने कभी ऐसी गाड़ियाँ देखी नहीं होंगी और वो बोलेंगे भाई सड़क पर क्या दौड़ रहा है ये ट्रक लेके। और थोड़ा आराम से भाई, ओबे अभी पलट जाता यार, मैं तो थोड़ा स्पीड में लेके आ रहा था कि जल्दी पहुँच जाएँ। अभी मेरे ध्यान दिया कि यार दो टायरों पे भी चल गया था ये, अभी पलट जाता। चलो ठीक है अभी आराम से लेके चलूँगा मैं। चल भाई जल्दी खोल दे इसको, अबे खोलना। अट तेरे तो भाई नहीं खोलता, तोड़ना पड़ेगा ये। अबे भाई जा, अब कुछ कर लियो तो ठीक है ना। और एक सेकेंड भाई इसके ऊपर टच हो रहा है ये भाई, एक एक इंच से निकल के जा रहा है। अगर थोड़ा सा भी नीचे और हुआ ना भाई, थोड़ा सा भी और ऊंचा हुआ, ओह भाई हो गई प्रॉब्लम, निकल जाएगा क्या भाई। मेरे को लगता है मेरा ट्रेलर यहाँ पे फंस गया है। ओके ओके सो अब आया समझ में, ये है ना भाई ये अड़ रहा है, इसको थोड़ा बचा के ले जाना पड़ेगा इसको यहाँ से। एंड भाई ये देखो ये क्या हो गया, ट्रक ही निकल गया भाई, अलग ट्रेलर अलग एंड ट्रक अलग। चलो इसको पहले लगाता हूँ मैं, और थोड़ा आराम से भाई ट्रक ही ना तोड़ ले जाऊँ मैं। अबे देख यार, एक तो ये भाई क्या यार, गवर्नमेंट को ये तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने लगा तो ट्रक्स कहाँ से निकलेंगे। अबे हट जा पुलिस वाले, नहीं तो ठोक दूंगा तेरे को मैं। ओके 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 अपना ट्रक कनेक्ट तो हो चुका है, लेकिन भाई निकालू कैसे। चलो राइट से ही निकाल के चलता हूँ मैं। और भाई अपनी गाड़ियों की पोजीशन तक बदल चुकी है। एंड चलो फाइनली भाई निकल गया। चलो अभी मैं ऐसे हाई फ्लाईओवर्स के नीचे नहीं देने वाला यार, नहीं तो मेरी ट्रक भी जाएगा और भाई मेरी गाड़ियाँ भी, ये ट्रक भी मेरे दोस्त का, यार कुछ भी नुकसान हुआ तो मुझे ही भरना पड़ेगा वो। एंड यहाँ से लेफ्ट लेता हूँ एंड डायरेक्ट चलता हूँ। अभी देखना भाई बंदों को रिएक्शन मिलेंगे क्या। अभी मैं यार यहाँ से लेफ्ट पूरा ऊपर चढ़ा के रहना पड़ेगा पहले, एक सेकेंड। एक तो यार ट्रक इतना लंबा है ना, मोड़ने भी परेशान रही है। देखो ये तो भाई टैक्सी वाले की गाड़ी तो छिलने वाली है पक्का। देखो भाई मैं क्या करूँ यार, मेरी देखो इसमें कोई गलती नहीं है, जब ट्रेलर ही इतना लंबा है तो भाई बंदा क्या ही कर सकता है। वैसे यार ये तो गेम है, पर मैं जो सोच रहा हूँ भाई रियल लाइफ वाले जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो भाई कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा उनको, क्योंकि भाई रियल लाइफ में तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल होते हैं ट्रक चलाना। अभी मेरे को क्या है, मैं तो बस कीबोर्ड पे बटन दबाता हूँ ये वो और ट्रक मुड़ जाता है, लेकिन उनको तो भाई प्रैक्टिकली रियल लाइफ में सब कुछ करना पड़ता है भाई। सल्यूट फॉर देम। चलो अभी हम अपने काम पर ध्यान देते हैं। अभी यार इनमें नुकसान भी हो सकता है गाड़ियों में थोड़ा बहुत, क्योंकि जैसे ही उसके नीचे आया था ना तो भाई गाड़ियाँ इधर उधर हो गई हैं, जिससे इन पर डेंट भी आ सकता है या फिर इसका पेंट ही उतर सकता है। चलो वो भी देखेंगे। वैसे माइकल का घर है यहाँ से 1.3 माइल्स दूर, समझ लो डेढ़ या दो किलोमीटर दूर। वैसे थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे भाई।
और यार देखो अपनी गेम में भाई फेवरेट गाड़ी है जी वैगन, तो जैसे ही पैसे कमाऊंगा ना मैं इन गाड़ियों से बेच बेच के, जैसे ही बिजनेस अच्छा चलेगा मेरा, तो भाई सबसे पहले देखो मुझे जी वैगन नहीं खरीदनी है। वैसे आप भी बता सकते हो भाई कि अगर आपकी कोई गाड़ी हो या मुझे वो खरीदना चाहिए तो आई एम श्योर भाई मैं वो खरीदूंगा, मुझे अपने आप पे विश्वास है, मैं मेहनत करूंगा और इसको GT5 में खरीदूंगा। एंड आपने सपोर्ट दिखाया तो भाई हो सकता है मैं रियल लाइफ में भी खरीद लूँ भाई, मे बी अगर आपने सपोर्ट दिखाया तो। एंड यहाँ से लेते हैं लेफ्ट। वैसे यार मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलाना आ गया अभी, जब मैं एयरपोर्ट से निकाला था ना तो भाई मैं सोच रहा था कैसे कैसे लेके जाऊँगा इसको वहाँ तक, लेकिन अभी देखो मैं इस पर टर्न भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा करा रहा हूँ, मैं इसको बिल्कुल भी ठुकरी नहीं दे रहा। मैं क्या सोच रहा हूँ भाई प्रोफेशनल ट्रक ड्राइवर ही बन जाऊँ क्या GT5 में। एंड भाई पब्लिक देखो देख तो रही है यार मेरे को कि ये कहाँ से आई हैं ये गाड़ियाँ। एक तो भाई मैंने ना ये फास्ट एंड फ्यूरियस का ट्रक बना रखा है, कोई भी रेड लाइट मैं फॉलो ही नहीं कर रहा, सारी की सारी रेड लाइट छोड़ रहा हूँ, ऐसा ना होगा भाई मैं रास्ते में जाऊँगा और पुलिस मेरे को धर के ले जाए, मेरी गाड़ियाँ भी जब्त कर ले और मेरा ट्रक भी, मेरा नहीं मतलब मेरे दोस्त का, ऑब्वियसली भाई मेरे पास है अभी मेरे दोस्त का तो समझ लो भाई मेरा ही है ये। एंड बातों ही बातों में भाई हम माइकल के घर भी आ चुके हैं भाई, कहीं पे भी ट्रैफिक मिले ना मिले लेकिन भाई लास्ट में यहाँ पे ट्रैफिक जरूर मिला, देखो कहीं पे भी नहीं ठोका था मैंने एक बार भी ट्रक, अब लास्ट में यहाँ पे आगे ठुक ही गया ये। चलो ठीक है भाई वैसे ट्रक है इसमें कुछ ज़्यादा नुकसान तो हुआ नहीं होगा। एंड भाई सबसे पिछली गाड़ी तो देखो नाच रही है भाई इधर से उधर, सीधा घुसाऊँ या फिर बैक में, भाई बैक में घुसाना पड़ेगा नहीं तो अगर सीधा घुसा दिया तो फिर निकालने में दिक्कत बनेगी। एक सेकंड भाई ऐसा ना हो कि ये घुसे ही ना, ओ बे भाई अगर यार मेरे ट्रक में छुकती ना ये मेरी गाड़ियों को कुछ भी नुकसान होता भाई मैं इनको पेल देता अभी पुलिस वालों को। एंड भाई ये घुसेगा कैसे इसके अंदर। ओके सो गाइस मैंने अपनी तीनों गाड़ियाँ उतार दी और ये खड़ी अपनी तीनों गाड़ियाँ, देखो भाई एक लाइन में लगी क्या ही तगड़ी लग रही है और ये भाई काफ़ी ज़्यादा स्पेशल कार है। वैसे तो भाई आपको पता ही होगा तीनों गाड़ियों के बारे में, ये है अपनी महिंद्रा की XUV700 एंड ये अपनी गाड़ी टोयोटा लैंड क्रूजर। आपको पता है भाई ये इसको ज़्यादातर यूज़ पता है कौन करता है, पॉलिटिक्स में जो होते हैं या फिर कोई ज़्यादा ही ऊँची पोस्ट पर होते हैं वो इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, एग्जांपल के लिए भाई अपने नरेंद्र मोदी इसको रैली में यूज़ करते हैं। एंड ये तो भाई अपनी प्यारी व्हाट्सएप की प्यारी स्विफ्ट। एंड जो मैंने गाड़ी चुराई थी भाई मैंने माइकल को फ़ोन किया था, वो बोल रहा था कि भाई मुझे मैंने उनको डेंटिंग पेंटिंग के लिए दिया है, उसमें थोड़ी बहुत खरोच आ गई थी मतलब स्क्रैच विस्क्रैच आ गए थे, उसको ठीक करने के लिए ले गया है वो गाड़ियाँ। एंड ये गाड़ियाँ मैंने तीनों खड़ी कर दी और ट्रक भी मैंने भाई यहाँ पे जल्दी से गाड़ी उतार के और ट्रक भी वापस भेज देगा क्योंकि मेरे दोस्त का इतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी काम, इसलिए वो ट्रक भी अपना लेके चला गया। तो अभी मेरे का क्या काम बचा कि मुझे अभी खरीदना है शोरूम, तो भाई शोरूम में इस वीडियो में नहीं अगली वीडियो में खरीदने वाला हूँ क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में खरीदूंगा ना तो भाई अपना जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि भाई आज की वीडियो में मुझे बस इतना ही रखना चाहिए। एंड ठीक है तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, चलो फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।